हे गेमर्स, क्या आप पिछले सीजन में क्राउन एस या फिर कॉन्करर तक गए हुए थे? अगर गए थे तो आपका बंदा ऐसे घूम करके क्यों नहीं आ रहा, या फिर जिस तरह मेरे नाम के ऊपर सीजन 17 एस लिखा हुआ है, या फिर जिस तरह का फ्रेम मुझे मिला हुआ है, आपको क्यों नहीं मिला? जी हाँ गाइस, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि सीजन 17 के रिवॉर्ड आपको कैसे कलेक्ट करने और टाइटल टैग और टीम इफेक्ट कैसे अपनी प्रोफाइल में एडिट करना है। गाइस, मेरी पिछली वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 15,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है अब तक, लेकिन गाइस आपने सब्सक्राइब कम किया, तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिए। तो गाइस, ये है सीजन 18 का वो रिवॉर्ड। जैसे आप पबजी मोबाइल को आज आपने ऑन किया होगा या फिर आप ऑन करोगे, तो आपके सामने लिख करके आ जाएगा। जैसे कि मैं पिछले सीजन में एस तक गया था, ऐसे आपके भी लिख के आ गया होगा कि आप क्राउन तक गए थे, एस तक गए थे या फिर कॉन्करर तक गए थे। और जैसे आप कलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो मुझे 1600 सिल्वर क्वाइन, यहां पे एक फ्रेम मिल चुका है और मुझे टाइटल मिल चुका है एस का। जी हां गाइस, ये लेजेंडरी होता है। अगर आप एस तक जाते हो तो आपको एक लेजेंडरी टाइटल टैग और नेम इफेक्ट मिलता है। इसके बाद मैं आपको गाइस बताता हूं कि आपको इसे अपनी प्रोफाइल में कैसे जाके एडिट करना है। तो पहले तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई, आपको शुरुआत में ही चीज़ें मिल चुकी हैं कि आपको क्या क्या मिलना था, वो आपको कंफर्म हो चुका है। सिल्वर कॉइन मिलता है, टाइटल मिलता है, टैग मिलता है और टीम इफेक्ट मिलता है। ये है रिवॉर्ड जो आप इस सीजन जाओगे तो आपको मिलेंगे। तो हम फिलहाल पिछले सीजन की बात करते हैं कि सीजन 17 के रिवॉर्ड आप कैसे अपनी प्रोफाइल में लगा सकते हो। और मेरे दोस्तों, आप सीजन 17 में किस टीयर तक गए थे, क्राउन एस या फिर कॉन्करर? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले यार कि मेरे जितने सब्सक्राइबर, मेरे जितने फैंस हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, या कि किस टीयर तक गए थे, क्राउन एस या फिर कॉन्करर, नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे एक टाइटल मिल चुका है सीजन 17 एस का, क्योंकि मैं लगभग हर सीजन, जब से मैंने खेलना शुरू किया है तब से मैं हर सीजन एस पर जाता ही जाता हूँ। तो गाइस, उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस टाइटल को लगाने के लिए आपको मेन लॉबी में आ जाना होगा, जो आपकी मेन स्क्रीन होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गाइस कैसे आपको सारी सेटिंग करनी है। बिल्कुल इन तक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। गाइस, वैसे मैंने ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में भी समझाई थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब 15,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब थोड़ा सा कम किया है बस। तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो है ना तो आपको पता चल सके। तो गाइस, आपको करना क्या, जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होती है, आपको उस पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपका नाम शो हो रहा है सबसे ऊपर। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे तीन लाइनें दिख जाएंगी आपके नाम के ठीक नीचे, जहाँ पे आपकी PUBG ID लिखी होती है ना, उसी के जस्ट बगल में तीन लाइनें, इस पर आप ओके करोगे। फिर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर ही, जहाँ पे एक रेड कलर की बिंदी भी आपको दिख रही है, तो आपको एडिट पे ओके करना पड़ेगा। और जैसे आप एडिट करोगे, आप देख सकते हो टाइटल खुल चुका है। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे टाइटल है, आप देख सकते हो सीजन 16 एस मेरा सेलेक्ट है, लेकिन मैं गाइस सीजन 17 में भी एस पे गया था, तो मुझे सीजन 17 का टाइटल लगाना है, ना कि सीजन 16 का। और आप देख सकते हो मेरा सीजन 12, सीजन 13, सीजन 14, सीजन 15, सीजन 16 और सीजन 17 में हर सीजन में एस पे गया हुआ। तो गाइस, हम फटाफट सीजन 17 एस को सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे, इक्विप का ऑप्शन आएगा, और जैसे कि आप यूज करोगे, और जैसे आप इसे यूज करते हो, आपका सीजन 17 का टाइटल शो होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई, वो गई टाइटल। फ्लैग में आपका कुछ नहीं होता, अवतार में आपका कोई मतलब नहीं है। अवतार तब के लिए जब आपको कोई रॉयल पास लेते हैं और आपको कोई अवतार मिलता है। तो बेसिकली आप यहाँ से अपना अवतार यानी प्रोफाइल डिस्प्ले जो है ना, वो चेंज कर सकते हैं। तो काफी लोग अपनी फोटो लगा के रखते हैं, तो यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं। अवतार फ्रेम है। अब आते हैं मेन नेम टैग पे, जो आपका नेम टैग आप दिखा होगा ना कि मेरे नाम के नीचे एक बड़ी सी फ्रेम बना होता है, तो वो यहाँ से मिलता है। तो आप देख सकते हो मैंने सीजन 16 का सेलेक्ट कर रखा था पिछले सीजन में, लेकिन इस बार मेरा सीजन 17 एस का भी ओपन हो चुका है। और हर चीज के अलग अलग होते हैं, क्राउन के, कॉन्करर के और एस के, सबके अलग अलग फ्रेम होते हैं। तो मैंने सीजन 17 का भी इक्विप कर लिया, और आप देख सकते हो अभी मैं आपको मेन स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि मेरा बंदा घूम के आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यह है कनेक्शन सेटिंग। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, आप चाहो तो मेरी जैसी सेटिंग है ऐसे आप भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे, अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा बंदा घूम करके आ रहा है, जैसा कि आप लोग चाहते थे कि क्या बंदा घूम करके आता है, क्योंकि एंट्री इफेक्ट बहुत लाजवाब होता है। तो किसी फ्रेंड को मैं मैसेज करता हूँ या फिर कोई फ्रेंड मुझे इन्वाइट कर ले, और जैसे इन्वाइट करेगा आप देख सकते हो मेरा बंदा घूम के आ रहा है फिर नहीं आ रहा। और गाइस, देख सकते हो कितना ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है जब बंदा घूम करके आता है, क्योंकि एक एस प्लेयर की यही निशानी है। तो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कंप्लीट समझा ले गया हूँ कि आपको कैसे टाइटल टैग और टीम इफेक्ट लगाना है अपनी प्रोफाइल में। तो गाइस यार, इसी बात पे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।